हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे या फिर बेल पर बाहर आएंगे, हाईकोर्ट ने फैसला ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सुनवाई चल रही थी। कल्पना सोरेन कल की सुनवाई में मौजूद रही और बकायदा कल दोनों तरफ से, चाहे हेमंत सोरेन के वकील हों या फिर ईडी के वकील, अपनी अपनी दलील रख रहे थे। जहां हेमंत सोरेन के वकील का कहना था कोई भी ईडी के पास सबूत साक्ष्य नहीं है, बल्कि जानबूझकर केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर हमारे नेता को जेल में बंद रखी हुई है, ये सब कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ है। वहीं ईडी के वकील का ये दावा था कि इसके पीछे जो मुख्य साजिश करता है वो हेमंत सोरेन ही है, हेमंत सोरेन का ही कब्जा है। अगर इनको जमानत मिलती है तो ये स्टेट मशीनरी का उपयोग करके, अपने ताकत का इस्तेमाल करके सबूतों को, साक्ष्यों को और जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। और हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला ले लिया है, लेकिन ये फैसला सुरक्षित रखा है, यानी अभी इस फैसले का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो भी फैसला लेना था वो हाईकोर्ट के जज ले चुके हैं। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है, क्या हाईकोर्ट जो उनके हेमंत सोरेन के वकील हैं उनके दलीलों का ध्यान में रखते हुए जमानत देती है या फिर ईडी की बात मानकर जमानत नहीं देती है। कल्पना सोरेन भी कल जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब वहाँ मौजूद थी। कल क्या कुछ कोर्ट में हुआ आपको हम पूरी कहानी जो है वो संक्षेप में बता देते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार यानी कल 13 जून को फिर से सुनवाई हुई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई के दौरान गांडिक की नवनिर्वाचित विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। ईडी के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बड़गाई अंचल में कथित जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन के वकील ने जस्टिस मुखोपाध्याय की अदालत में अपने मुकबिल को नियमित जमानत देने की मांग की। दूसरी तरफ ईडी के वकील एसवी राजू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने का विरोध किया। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने एक दिन पहले अपनी दलील रखी थी। उन्होंने बार बार कहा कि यह पूरी तरह से जमीन विवाद का मामला है, यहां तक कि यह आपराधिक कृत्य भी नहीं है। हेमंत सोरेन को जबरन इस मामले में फंसाया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी गलत है। केंद्रीय जांच एजेंसी जबरन यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है। कपिल सिब्बल की इन दलीलों का ईडी ने जो है कल यानी 13 तारीख को जोरदार विरोध किया। कहा यह जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर ही है, जमीन के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके वह इस जमीन के मालिक बन बैठे, इसलिए उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एसवी राजू ने यह भी दलील लिखी। झारखंड हाईकोर्ट में आरोपी ने याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना था। तो चाहे वो हेमंत सोरेन के वकील हों या ईडी हो, उन्होंने अपनी दलीलें जो है हाईकोर्ट के सामने रख दी हैं और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित भी रख लिया है, मतलब अपना फैसला लिख लिया है, बस सुनाने भर का इंतजार है। अब देखना दिलचस्प होगा या क्यूरियोसिटी होगी हर किसी को, आपको भी, कि आखिर जो हाईकोर्ट है उनका क्या फैसला आता है। जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला सामने आएगा फिर हम आपको तमाम बातें बताएंगे। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।